स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। सांवेर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जनता को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह गए कि वहीं पर एक कंट्रोवर्सी नई क्रिएट हो गई है। आपको बताते हैं क्या कुछ कहा कमलनाथ ने। वर्दी को लेकर उन्होंने कड़े शब्दों में या यूं कहें धमकी भरे स्वर में चेतावनी दी है। ये कहा कि आईजी डीआईजी सभी भाजपा का बिल्ला लेकर घूमना बंद करें, नहीं तो उपचुनाव के बाद उनके पास वर्दी तक नहीं बचेगी। ये जो कड़े शब्द पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तेमाल किए हैं, इन्हें लेकर अब कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। हालांकि क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर जो फिलहाल चर्चाओं में बना है, सबसे पहले कांग्रेस के हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो कांग्रेस क्या कहती है इस बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको मिलाते हैं कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता संतोष गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से कमलनाथ जी का ये बयान एक नई कॉन्ट्रोवर्सी बना गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जो कमलनाथ जी ने बोला है वो तथ्यों के आधार पर बोला है। आपने देखा कि इंदौर में किस प्रकार से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर उस्मान पटेल के ऊपर रासुका लगा दी गई, जबकि वहीं जो सांवेर में नर्मदा कलश यात्रा निकली उसके आयोजकों पर केवल 188 जैसी मामूली धारा का उपयोग किया गया। तो साफ है कि पुलिस और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर पूरी तरह से काम कर रहा है। ऐसे में कमलनाथ जी का यह कहना बिल्कुल भी मुझे अनुचित नहीं लगता कि वे संघ का बिल्ला और भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपनी जेब में रखना छोड़ दें, क्योंकि अंततः जनता की जीत होने वाली है उस उपचुनाव में और फिर से कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना अगर बंद नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस का यही रुख मैं ठीक समझता हूँ। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस यहाँ पर सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगा रही है, लेकिन भाजपा को ये आरोप कतई रास नहीं आ रहे हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने रखेंगे। बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को कह सकते हैं कि धमकाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, और इसका पूरा जो श्रेय है वो भाजपा को दिया जा रहा है, यानी बीजेपी की वजह से प्रशासनिक अधिकारियों को डांट पड़ रही है कहीं ना कहीं, आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? जी जी, कल जो इंदौर में सांवेर में उपचुनाव के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का एक दौरा कार्यक्रम था, उसमें जो उन्होंने मंच से भाषण दिया, वो भाषण जो जब सुना गया तो उसमें वो हिसाब किताब की बात कर रहे थे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो हिसाब किताब तो अधिकारियों से रखने की बात कर रहे थे, हिसाब किताब तो जनता ने उनका रखा है, उनका पूरी जनता को मालूम है कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार का क्या हिसाब किताब रहा, तबादला उद्योग का क्या हिसाब किताब रहा, युवा वर्ग से जो उन्होंने वादे किए थे उनको धोखा देने का क्या हिसाब किताब रखा, और साथ ही जो किसानों के मुद्दे पर उनके जो वादे उन्होंने पूर्व में किए थे उनमें किस प्रकार से उन्होंने किसानों को धोखा दिया, उसका हिसाब भी किसानों के पास और जनता के पास है। परंतु उनका ये जो बयान है वो बहुत शर्मसार करने वाला बयान था। 15 महीने की उनकी सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी हिसाब किताब नहीं रखा गया था, और वो जिस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र को खुलेआम धमकी दे रहे थे, धमकाने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है वो बड़ा निंदनीय है। क्योंकि एक तरफ पुलिस प्रशासन जो COVID-19 में जनहित में अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा में लगा हुआ है और कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा है, और दूसरी ओर वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अपने आचरण के अनुसार उनको हिसाब किताब रखने की धमकी दे रहे हैं, वो मुझे लगता है ये उन शूरवीरों का अपमान है जो जान हथेली पर लेकर नियमित रूप से 24 घंटे जनता का काम कर रहे हैं, जनता का ख्याल रख रहे हैं इस COVID-19 में भी। दूसरी, कमलनाथ जी ने एक जो वर्दी का बयान दिया कि हम उपचुनाव के बाद वर्दी को भी देख लेंगे, तो मैं माननीय कमलनाथ जी को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन को वर्दी उनके द्वारा नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन का जो शूरवीर है, जो राष्ट्रहित की भावना से काम करते हैं, देश सेवक के रूप में काम करते हैं, वो सारे नियम कायदे कानून परीक्षा उत्तीर्ण
करने के बाद वो वर्दी उनको जनहित में दी जाती है, देश सेवा के लिए दी जाती है। वो वर्दी कमलनाथ जी की मोहताज नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार के बयान कांग्रेस का आचरण में आ चुके हैं, क्योंकि 15 महीने की जो उनकी सरकार रही उसके बाद तो वो उस समय तो वो कुछ कर नहीं पाए, और सरकार जब हाथ से चली गई, आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो जो है बौखला गए, और बौखलाहट में कांग्रेसी नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद ऐसे बयानों का जवाब सांवेर की जनता उनको देगी, और निश्चित रूप से उपचुनाव में पूरी सीटें 27 सीटें सांवेर सहित हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस के इसी आचरण के कारण 15 महीने बाद वो सरकार विपक्ष में चली गई, और मुझे लगता है आगामी 20-25 साल तक वो विपक्ष में रहने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। जी मूलचंदानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आईजी, डीआईजी और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी तो दे डाली, लेकिन यही बात भाजपा को भी रास नहीं आ रही, और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाले उपचुनाव राजनीतिक सरगर्मियों को भी बढ़ाते जा रहे हैं। अन्य खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP News। धन्यवाद।